ज़्यादातर लोग इसे ब्लांच करके सलाद या फिर सूप की तरह खाते हैं, लेकिन आज हम इसकी सब्जी बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लगभग 400 ग्राम के करीब ब्रोकली लिया है। इसे मैंने इस तरह से थोड़े बड़े साइज़ में काटकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया है। तो चलिए हम सारे ब्रोकली को इस कढ़ाई में डाल देते हैं और फ्राई होने में इसे करीब 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। पाँच से छः मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए, तो अब हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में मैं 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 तेज़पत्ता और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। साथ ही साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पतले लंबे साइज़ में काट लिया था, वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ 3 से 4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं, इसे मैंने बीच से काट लिया है। आप चाहें तो इसे बारीक काट के भी ले सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसमें जाएगा 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे हम कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। बस अब मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बनाई थी, वो इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट के भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें 1 कप के करीब फ्रेश मटर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। मटर जल्दी से कुक हो जाए इसलिए इस स्टेज पर मैं 1 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे। आप चाहें तो बीच में चेक भी कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। एक बार हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और अंत में 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम बिना ढके हुए 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। बस आप बीच बीच में इसे चलाते रहें। मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुके हैं तो अब मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें 4 से 5 टेबलस्पून के करीब फेंटी हुई फ्रेश दही डाल रही हूँ। आप चाहें तो फ्लेम को लो या फिर गैस को पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। ऐसा करने से दही के फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम इसे इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसे चलाते हुए और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो कितना यम्मी दिख रहा है। तो अब हमने जो ब्रोकली को फ्राई करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, अब हम फ्लेम को वापस मीडियम पर कर देंगे। बस अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ करीब 1 गिलास पानी यूज़ किया है। साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बस अब मैं इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक और पकाऊंगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए और आप देख सकते हैं ऑयल थोड़े थोड़े ग्रेवी के ऊपर आने लग गए हैं, यानी कि हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। इसकी जो ग्रेवी है वो भी परफेक्ट है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, रेडी है ब्रोकली की सब्जी। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।